फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बिशप नाइट एंडिंग से कैसे राजा को चेकमेट किया जाता है। इसके लिए मैंने बेसिक पोजीशन ले लिया है और मैं स्टॉक फिश 8 के अगेंस्ट खेल के इसको मैंने दिखाऊंगा। इसमें बेसिक क्या होता है कि जिस कलर का बिशप हो उस साइड एक ट्रायंगल बनाना है, तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा और उसके बाद से एक मीडियम ट्रायंगल बनेगा और उसके बाद एक छोटा ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ट्रायंगल बन जाने के बाद आपको कुछ एक पोजीशंस याद रखने हैं जहां आप अपने बिशप और नाइट को प्लेस करेंगे। यहां पर बिशप और यहां नाइट, कोने का एक स्क्वायर छोड़ के, और जब छोटे ट्रायंगल मीडियम ट्रायंगल में इन दो जगह पर प्लेसमेंट करना है। ये चीज़ें, ये पोजीशन बिल्कुल माइंड में आप बैठा कर रखिए। अब उसके बाद से हम गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर यही चीज अगर हाँ इस साइड रहा है, इस कोने के साइड राजा अगर ला रहे हैं या वो आ गया, तो हमें सिमिलरली ऐसे ही ट्रायंगल इधर बनाना है और फिर मीडियम ट्रायंगल और फिर छोटे ट्रायंगल, इसके अंदर राजा को ले जाना है और फिर चेकमेट करना है। अब वाइट बिशप है तो वाइट कोने में ही उसको ले जाके मेट किया जा सकता है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। पहले आप किंग भी चल सकते हैं और बिशप भी चल सकते हैं, कुछ भी चलिए। लेकिन बिशप को लेके मैं इस ट्रायंगल के बाहर वाला डायगनल पर आ गया हूँ। उसके बाद उसका किंग देखते हैं कहाँ चलता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने किंग को सेंटर की तरफ ले जाएंगे। और इस प्रकार किंग ब्लैक कॉर्नर में जाने की कोशिश करेगा और इसके लिए हम नाइट से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये चाहे तो इधर से भाग के ये दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंटर कर सकता है, लेकिन वो प्रेफर कर रहा है कॉर्नर में जाने के लिए। जितना ज़्यादा मूव ले सके कॉर्नर में चला जाएगा, वहाँ से चेक करना है। अब देखिए बिशप को एक वेटिंग मूव जब भी देना है बिशप से ही देना है, नाइट और किंग से नहीं देना है। और यहाँ वैसे भी बिशप को लाना ही था हमें, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दो जगह बिशप और नाइट के लिए होती हैं। मौका मिलते ही नाइट को हम इस स्क्वायर से होते हुए यहाँ पर लाके प्लेस कर देंगे। तो आगे ये चीज पोजीशन याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं गेम में क्या हुआ। किंग उधर गया, अब किंग के पास सिर्फ एक ही जगह है और अब जैसे एंटर कर गया उस ट्रायंगल के अंदर, हम नाइट को लाकर यहाँ पर प्लेसमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार अब हमारा ये जितने लाइट स्क्वायर्स हैं ये हमारे बिशप ने कवर कर रखा है और डार्क स्क्वायर्स जो हैं वो हमारे नाइट ने कवर कर रखा है। किंग को हम इस साइड से अटैक करेंगे, अटैक क्या इस साइड से कवर करेंगे बेसिकली। और यहाँ देखिए इधर बिशप और नाइट ने यहाँ इतना ब्लॉकेज कर रखा है इतने स्क्वायर का, और बाकी ये किंग ने कर रखा है। तो इसके किंग को बाहर निकलने का कहीं से भी कोई मौका है नहीं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक साइड से नाइट और बिशप रहेंगे और दूसरी साइड से किंग रहेगा, और इस टाइप से हम पूरा एक ब्लॉकेज बना देंगे। अब इस ट्रायंगल से किसी भी हालत में ये किंग बाहर नहीं निकल सकता है। अब आगे की गेम देखते हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कैसे भी वो छोटे वाले ट्रायंगल में जाने की, मीडियम ट्रायंगल में जाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर रखे किंग से हम उस स्क्वायर को ब्लॉक करेंगे। अब किंग जैसे हिला, हम जहाँ से वो आया है जिस स्क्वायर से जो वो आया है उस स्क्वायर में वापस नहीं होने देना है। ये सिंपल सा मूव है, याद रखिए। जहाँ से भी किंग आए उस जगह से हमें उसको ब्लॉक करना है उस जगह, तो धीरे धीरे वो हमारे मीडियम ट्रायंगल में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पर अभी डायगनल पर है, मीडियम ट्रायंगल में जैसे ही एंटर होता है वैसे ही हम फिर से बिशप से उस डायगनल को बंद कर देंगे। और इस टाइप से अगर देखें तो ये नाइट और बिशप से ये साइड पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। अब हमें लाना है बिशप को किसी भी साइड, ट्रायंगल किसी भी साइड में इधर छोड़ कर रख सकते हैं। किंग को हम इधर लेकर आएंगे ताकि हम नाइट को वापस इसके जो राइट जगह है जहाँ मैंने स्टार्टिंग बताया था कि नाइट और बिशप ऐसा प्लेस होना जाना चाहिए था। अब किंग हटते ही हमारा बिशप वहाँ प्लेस हो गया, अब फिर से वो ब्लॉकेज तैयार हो गया है। अगर ध्यान से देखें तो उसका किंग कहीं से भी इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकल नहीं सकता है, मीडियम ट्रायंगल से निकल नहीं सकता है। अब हम किंग का यूज़ करेंगे दूसरे साइड से। तो इस हिसाब से अब ये धीरे धीरे देखा जाए तो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में एंटर कर गया है। तो अब हम फिर से बिशप से इसको ब्लॉक कर देंगे और बाकी दो स्क्वायर तो नाइट ने कवर कर रखा है ब्लैक स्क्वायर्स ने, और ये वाइट वाले ने बिशप ने कवर कर रखा है। फिर यहाँ एंटर होते ही अब हम तैयार हैं किंग को चेकमेट करने के लिए। और
यहाँ पर जाते ही देखिए, अब किंग के पास सिर्फ दो जगह रह जाती हैं चलने के लिए, किंग कहीं भी नहीं जा सकता और बाकी जगह हमारे पीसेस ने ब्लॉक कर रखे हैं। तो नाइट भी हमारा फ्री हो सकता है, तो हम नाइट को ले जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ से किंग को चेकमेट किया जा सके। इस प्रकार से किंग चेकमेट हुआ। होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप सीखेंगे और इसको बार बार रिपीट करेंगे। थैंक यू।